दोस्तों सबसे पहले एक पीवीसी सीट लेना पड़ेगा जिसका लंबाई है 19 इंच और जिसका चौड़ाई है 3.5 इंच। इस पीवीसी सीट का ऊपर मार्किंग कर लेना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हाफ इंची छोड़ के मैंने 4 इंची लिया है, फिर 10 इंची, फिर 4 इंची लेके फिर हाफ इंची के जैसा स्पेस मैंने छोड़ दिया। तो इसको बेंड करना पड़ेगा, तो बेंड करने के लिए चाहिए एक 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे मैंने जो प्लाई है प्लाई को यूज करके एक 90 डिग्री एंगल का शेप बनाया, तो यहाँ पे इसको मैं यूज करूंगा। तो पीवीसी सीट को इसके साथ ऐसे रखेंगे, उसके बाद जो मार्किंग किया था 4 इंच के बाद उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ऐसे इसको बेंड कर देंगे। तो ये देखिए 90 डिग्री जैसे एंगल बन गया। सेम प्रोसीड्योर फॉलो करके 10 इंच के बाद जो मार्किंग किए थे उसको भी हम लोग बेंड कर लेंगे, साथ ही साथ जो दोनों साइड हाफ इंच छोड़े थे उसको भी हम लोग बेंड कर लेंगे। तो बेंड करने के बाद जो आपका पीवीसी सीट है ऐसे देखने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि एक साइड खुला हुआ है, ओपन है, तो इसको भी क्लोज करना है। तो इसको क्लोज करने के लिए फिर से हम लोग एक पीवीसी सीट लेंगे जिसका लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाफ इंच छोटा लिया इसलिए क्योंकि इसका जो शेप है इसको थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए। तो इसके बाद फिर हम लोग यूज करेंगे सुपर ग्लू। सुपर ग्लू के मदद से जो सीट है 10 इंची वाला उसको जो बेंड किया हुआ सीट है उसके ऊपर रख के अच्छा से फिक्सिंग कर लेंगे। दोस्तों अभी नीचे से 3.5 इंच का एक मार्किंग कर लेंगे, फिर ऊपर जो सीट हम लोगों ने लगाया था उसके साथ एक एंगल बना लेंगे, फिर इसमें भी मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों साइड में करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम लोग काटिंग करेंगे और इसको एक डिजाइन देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दोनों साइड में मार्किंग कर लिया हूँ और इसको काटिंग भी कर लिया हूँ। तो फिर इसको ऐसे देखने लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सामने से एक सीट दे के इसको एक डिजाइन दे देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पीवीसी सीट था अभी इस टाइप का देखने लग रहा है। तो फिर से हम लोगों को दो पीवीसी सीट लेना पड़ेगा जिसका लंबाई है 8.5 इंच और जिसका चौड़ा है 2 इंच। दोस्तों दोनों पीवीसी सीट को हम लोग बॉक्स का ऊपर में दोनों साइड में लगा के भी और सुपर ग्लू का मदद से फिक्सिंग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर से एक पीवीसी सीट लेंगे जिसका लंबाई है 9.5 इंच और जिसका चौड़ा है 2 इंच। दोस्तों ये पीवीसी सीट को हम लोगों को दो पीवीसी सीट लगाया था उसके ऊपर में लगा के फिर सुपर ग्लू की मदद से इसको फिक्सिंग कर लेंगे। और आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसका आगे पीछे दोनों साइड खुला हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को क्लोज करना है। तो इसके लिए फिर से एक पीवीसी सीट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीवीसी सीट इस टाइप का लेना पड़ेगा जैसे कि आगे वाला हिस्सा पूरा ढक जाए। तो यहाँ पे देखिए पीवीसी सीट मैंने ले लिया, फिर सुपर ग्लू का मदद से पूरा इसको क्लोज कर दिया, इसको फिक्सिंग कर दिया। फिर इसको काटिंग कर लेंगे, जो बॉक्स है उसके हिसाब से काटिंग कर लेंगे और अंदर से भी इसको सुपर ग्लू को दे के अच्छा से फिक्सिंग कर लेंगे। दोस्तों ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग 5 स्विच को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने SPDT स्विच यूज किया हूँ। इसके बाद इसको बैठने के लिए जो बॉक्स के साइड में हम लोग को 2 सेंटीमीटर का मार्किंग करना पड़ेगा, फिर एक लाइन खींच लेना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एक साइड से 1 इंच छोड़ के मार्किंग करना पड़ेगा और इसको जो मार्किंग किया था उसको होल करना पड़ेगा। दोस्तों होल करने के लिए मैं यहाँ पे 6 mm का ड्रिल बिट यूज किया हूँ। अभी एक चार्जिंग मॉड्यूल लेना पड़ेगा। जो चार्जिंग मॉड्यूल मैं यूज कर रहा हूँ वो 4 in 1 है, मतलब यहाँ पे 4 डिवाइस को आप एक साथ चार्जिंग कर पाएंगे। तो इसको मार्किंग करने के लिए बैठने के लिए जो लाइन खींचा था उसके बैठा के जो USB सॉकेट है उसके हिसाब से मार्किंग कर लेना पड़ेगा। इस टाइप का मार्किंग आपको कर लेना पड़ेगा। इसके बाद इसको होल करके एक शेप देना पड़ेगा। कटिंग करने के बाद कुछ इस टाइप का देखने लगेगा। तो ये यहाँ पे आप USB केबल को आराम से डाल पाएंगे। दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर का एक मार्किंग करना पड़ेगा और सेम प्रोसीजर फॉलो करके एक लाइन भी खींचना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फैन गिल लेंगे जो 120 mm का फैन गिल है। तो यहाँ पे मैंने 120 mm का फैन यूज करूंगा, तो इसलिए 120 mm का फैन गिल भी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों को ऐसे बैठा के मार्किंग कर लेंगे और इसके हिसाब से काटिंग भी कर लेंगे।
तो दोस्तों कटिंग करने के बाद कुछ इस टाइप का देखने लगेगा, तो फिर हम लोगों को कटिंग करना पड़ेगा लाइट के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट एलईडी ट्यूब लाइट, तो ये 1 फीट का है, तो 1 फीट से हम लोगों को काटना पड़ेगा 10 इंच या 9 इंच, आपका जो शेप है उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 9 इंच कटिंग कर लूँगा, इसके साथ साथ जो एलईडी है उसको भी कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलईडी का मार्किंग रहता है, तो 12 वोल्ट एलईडी में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस और 3 एलईडी रहता है, तो एक साथ जो है उसको काटना पड़ेगा उसी हिसाब से, नहीं तो जो एलईडी है वो बर्न हो जाएगा। दोस्तों करने के बाद फिर आपका जो शेप है उसके हिसाब से काट के इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो 9 इंच लिया था उसके हिसाब से पीवीसी शीट में भी कटिंग कर लिया हूँ। दोस्तों बैक साइड को कवर करने के लिए आपको फिर से एक पीवीसी शीट का जरूरत पड़ेगा, तो पीवीसी शीट को ऐसे कटिंग करना पड़ेगा जो शेप है उसके अंदर घुस जाए। तो इसके बाद जो फैन गिल के हिसाब से कटिंग किए थे उसके हिसाब से फिर इस शीट पे भी कटिंग आपको कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो कटिंग किया था उसके हिसाब से मार्किंग कर लिया हो और उसी के हिसाब से कटिंग कर लिया हो। दोस्तों इसका तो डिजाइन हम लोगों ने बना लिया, फिर इसको कलर भी करना पड़ेगा, तो आपका फेवरेट कलर से इसको कलर कर लीजिए। तो सारा साइड इसको अच्छा से कलर करने के बाद फिर इसको ऐसे इस टाइप का दिखने लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया देखने लग रहा है अभी से। तो फिर इसका जो जितना सारा कंपोनेंट है इसके अंदर एक एक करके लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसको लगाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको हाइट देना पड़ेगा। हाइट देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 7x4 सेंटीमीटर का 2 सान बोर्ड, इसके साथ साथ 7x4 सेंटीमीटर का एक पीवीसी शीट। फिर इसको हम लोग जो सुपर ग्लू है उसको मदद से इसको फिक्सिंग कर लेंगे और वहां पे जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसको अच्छा से वहां पे लगा देंगे। दोस्तों अभी हम लोग एक XT60 कनेक्टर लेंगे जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट रहता है। तो यहाँ पे जो फीमेल वाला पार्ट है उसको हम लोग लेंगे और इसमें जो पॉजिटिव वाला पिन है उसमें रेड कलर का वायर और जो नेगेटिव वाला पिन है उसमें ब्लैक कलर का वायर सोल्डरिंग कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद बैटरी का इंडिकेटर देखने के लिए हम लोग के एक बैटरी इंडिकेटर लेंगे। यहाँ ये है 3S बैटरी इंडिकेटर, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पिन रहता है, तो पॉजिटिव में रेड और नेगेटिव में ब्लैक कलर का वायर हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे। दोस्तों बैटरी को चार्जिंग करने के लिए फिर से मैं एक कनेक्टर यूज कर रहा हूँ, यह DC कनेक्टर। इस कनेक्टर को यूज करके कोई भी लिथियम बैटरी चार्जर से इसमें जो बैटरी रहेगा उसको चार्ज कर सकते हैं। इस कनेक्टर में पॉजिटिव में रेड कलर का वायर और नेगेटिव में ब्लैक कलर का वायर हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे और जो दो कनेक्टर चार्जिंग के लिए यूज करेंगे उसका पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर को यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद चार्जिंग के लिए जो कनेक्टर लिए थे DC कनेक्टर और XT60 कनेक्टर, उसके लिए भी हम लोग बॉक्स के साइड में होल कर लेंगे। इसके बाद बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर और दो जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको बॉक्स के साइड में लगा के फिक्स कर लेंगे।
दोस्तों दोनों चार्जिंग कनेक्टर का नेगेटिव वायर एक ब्लैक कलर का वायर के साथ हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। फिर जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर को भी एक अलग से रेड कलर के वायर के साथ हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये है 3S लिथियम आयन बैटरी पैक। दोस्तों इसको कैसे बना सकते हैं पूरा प्रोसीड्योर मैं एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा। आप उधर से जाके पूरा वीडियो को देख सकते और बना सकते आपका खुद का 3S लिथियम आयन बैटरी पैक। दोस्तों चार्जिंग कनेक्टर का जो नेगेटिव वायर था, जो ब्लैक कलर के वायर से एक साथ हम लोग सोल्डरिंग किए थे, उसको बैटरी पैक का नेगेटिव में हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव वायर एक साथ हम लोग कनेक्ट किए थे, उसको भी बैटरी पैक का जो BMS है उसका पॉजिटिव कनेक्टर में हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे। इसके बाद बैटरी का दोनों साइड में हम लोग बोथ साइड टेप लगाएंगे और बैटरी का जो बॉक्स है उसके अंदर फिक्स कर लेंगे। दोस्तों बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है उसको ऊपर में लेके आने के बाद ऐसे हम लोग काटिंग कर लेंगे, जैसे कि जितना सारा स्विच है, 5 स्विच है, उसमें मिडिल वाला पॉइंट में हम लोग सोल्डरिंग कर पाए। यहाँ पे एकदम लास्ट वाला जो स्विच है उसको मैं यूज करने वाला हूँ, जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो लास्ट स्विच का ऊपर वाला पिन से जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसका पॉजिटिव में हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे। इसके बाद जो बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है उसका जो रेड कलर का वायर है वो कनेक्ट करेंगे 4 नंबर जो स्विच है उसका ऊपर वाला पिन पे। दोस्तों ऊपर में जो LED ट्यूबलाइट हम लोग लगाए थे उसका जो पॉजिटिव वायर है वो 3 नंबर स्विच का ऊपर वाला पिन के साथ कनेक्टेड होगा। इसके बाद हम लोग दो हाई स्पीड 120 mm फैन लेंगे। तो ये जो फैन है ये 1.6 एम्पियर लेता है, तो इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा है और इसका एयर फ्लो भी बहुत ही हाई है। तो दोस्तों फर्स्ट वाला एरो में पता चलता है कि फैन कैसे घूमता है और सेकंड वाला एरो में पता चलता है कि एयर फ्लो कौन सा साइड में हो रहा है। दोस्तों दोनों फैन को बॉक्स के अंदर सही से फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहले से फैन गिल लगा हुआ था उसके हिसाब से दोनों फैन को बैठा देंगे, उसके बाद अच्छा से फिक्स कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव वायर येलो कलर का है और नेगेटिव वायर ब्लैक कलर का है। तो दोस्तों जो फैन लेफ्ट साइड में है उसका हम लोग 2 नंबर स्विच का ऊपर वाला पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और जिसका पहले वाला फैन है उसका 1 नंबर स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जितना सारा नेगेटिव वायर है और ब्लैक कलर का वायर है, जैसे कि बैटरी का नेगेटिव वायर, जो फैन है दोनों फैन का नेगेटिव वायर, जो बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है उसका नेगेटिव वायर और लाइट का नेगेटिव वायर एक साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे और सोल्डरिंग करके जो चार्जिंग मॉड्यूल उधर लगा हुआ है उसका इन नेगेटिव पॉइंट पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों जितना सारा कनेक्शन था सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी बॉक्स का जो बैक साइड है उसको कवर कर लेंगे। दोस्तों सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे जो बैटरी का इंडिकेटर है 1 दिखा रहा है, इसका मतलब 25% चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए यहाँ पे DC सॉकेट या XT60 कनेक्टर आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक फास्ट चार्जिंग यूज कर रहा हूँ, तो जिसका चार्जिंग कैपेसिटी है अप टू 80 वाट। तो ये चार्जर मैंने बना हूँ, इसका वीडियो नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा।
आप देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही फास्ट चार्जर है। इसके बाद इसको ऑन करते ही आप देखिए कि इसको चार्ज होने लगेगा। यहाँ पे 2 एम्पियर 3 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, अप टू इसको 7 एम्पियर तक ले जा सकते हैं आप। तो मैं इसको 5 एम्पियर में अभी चार्जिंग करूंगा कुछ देर के लिए, क्योंकि इसमें एकदम ही चार्ज नहीं है इसलिए। तो थोड़ी देर चार्ज होने के बाद इसको हम एम्पियर बढ़ा देंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एम्पियर 0-0 दिखा रहा है और बैटरी का इंडिकेटर भी फुल दिखा रहा है। तो इस चार्जर को अभी हम लोग हटा देंगे। दोस्तों अभी इस डिवाइस को हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो पहले वाला स्विच ऑन करते ही देखिए पहले वाला फैन भी ऑन हो गया। उसके बाद जो सेकेंड वाला स्विच है उसको ऑन करते ही सेकेंड जो फैन है वो भी ऑन हो गया। तो दोस्तों इसका जो फैन है इसका बहुत ही हाई स्पीड है। तो देख सकते हो कैसे स्पीड आपको दिखाई रहा है, सुनाई भी दे रहा है। तो दोस्तों ये ओनली फैन नहीं है, इसमें लाइट भी है और चार्जिंग कैपेसिटी भी है। दोस्तों फैन के साथ साथ इसमें लाइट भी है। तो ये जो लाइट है ये 12 वाट पावर कंज्यूम करता है। तो इसका ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो जब पूरा अंधेरा हो जाएगा तो इसका पावर आप देख सकते हैं या लाइट का ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ ही है इसका चार्जिंग कैपेसिटी, मतलब ये चार्ज भी कर सकते हैं आपका फ़ोन या कोई भी डिवाइस, चार डिवाइस एक साथ चार्जिंग भी कर सकता है। तो ये जो एक एक पोर्ट है इसमें 18 वाट तक आपको चार्जिंग कैपेसिटी मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।